लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। देश टूट रहा है, लोगों के सपने टूट रहे हैं, उम्मीदें टूट रही हैं, घर टूट रहे हैं, और तोड़ने वाले वो हैं जो जोड़ने के वादे पर सत्ता में आए थे। साल 2022 और 23 में देश भर में सरकार द्वारा लगभग 1,50,000 घरों को ढहा दिया गया, जिसकी वजह से 7,40,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। अगर हम सिर्फ साल 2023 की ही बात करें तो सरकार ने ऑन एन एवरेज हर दिन 294 घर तोड़े हैं और हर घंटे 58 लोगों को बेघर किया। यानी कि एक दिन का कैलकुलेट करें तो सरकार ने हर दिन लगभग 1,392 लोगों को बेघर किया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो सवाल अब ये भी उठता है कि जहां एक तरफ सरकार आए दिन ये डींग हाँकती है कि हमने प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत लाखों घर आवंटित किए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार पहले से ही बने हुए घरों को क्यों तोड़ रही है? इसके पीछे मकसद क्या है? क्या ये घर किसी खास समुदाय से जुड़े हुए हैं? तो चलिए इस वीडियो में आज हम जानते हैं। नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कुछ दिनों पहले एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब दिखी, जिसमें एक आलिशान घर धराशायी हो रहा है। ये घर था मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता हाजी शहजाद का। इस मकान को मध्य प्रदेश सरकार ने तुड़वा दिया। ऐसा क्यों किया? दरअसल महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर के मुस्लिम समाज में गुस्सा था। उनके खिलाफ देश के कई राज्यों में मुस्लिमों ने विरोध जताया। इसी मामले को लेकर छतरपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ थाने का घेराव करके FIR करने की मांग कर रही थी। इतने में भीड़ की ओर से थाने पर पथराव कर दिया जाता है। इस प्रदर्शन के नेता होने के कारण पुलिस पर पथराव के लिए हाजी शहजाद को ही आरोपी बनाया गया। जांच हो, इससे पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तालिबानी न्याय कर दिया। ना केवल घर तुड़वाया बल्कि उसके साथ ही घर की 3 गाड़ियां भी तोड़ दी गईं। मोहन यादव ने विरोध होने के बाद जो कहा है वो सुन करके ये साफ हो गया कि इस आदमी को कानून व्यवस्था और संविधान से कोई मतलब नहीं है, ये केवल अगला बुलडोजर बाबा बनना चाहता है। मोहन यादव ने कहा कि सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। अपना रास्ता बनाएगा, फिर संवैधानिक रास्ते का क्या? पुलिस की जगह गुंडे पाल रखे हैं क्या? ऐसी धमकियां संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी दे रहा है। ऐसी घटनाएं भाजपा राज में इतनी हुई हैं कि एक एक घटना को गिनाना मुश्किल है। इसलिए हम आंकड़ों के जरिए पूरा सच जानेंगे। जिन आंकड़ों की चर्चा मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी वो HLRN की एक रिपोर्ट में से थे। HLRN यानी हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकारों के प्रचार और उनकी प्राप्ति के लिए काम करता है। HLRN की इसी रिपोर्ट में आगे लिखा हुआ है कि साल 2022 में घर टूटने की वजह से 2,22,000 लोग बेघर हुए थे और हर दिन 129 घर गिराए गए थे। यानी कि इसकी वजह से हर घंटे 25 लोग बेघर हुए। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि भारत में 40,00,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, यहाँ तक कि झुग्गी झोपड़ियां भी नहीं है, और 7,50,00,000 लोग ऐसे हैं जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। लेकिन राज्यों में BJP सरकारों के बुलडोजर न्याय या कहें कि अन्याय की वजह से ये आंकड़ा और भी बढ़ गया है। इसी के चलते साल 2017 से 2023 के बीच 16,80,000 लोग बेघर हो गए। इन मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई साल 2023 में। 2023 में लगभग 5,15,000 लोगों के घरों को ढहाया गया और अभी भी 1,70,00,000 लोग ऐसे हैं जिनको बेघर होने का डर सता रहा है। बेघर करने में दिल्ली सबसे टॉप पर रहा। यहाँ साल 2022 और 23 के बीच में विभिन्न अथॉरिटीज के द्वारा लगभग 2,78,000 लोगों को बेघर कर दिया गया। ये आंकड़े भारत में किसी भी जगह के लिए सबसे अधिक हैं। इसके अलावा रामापीर, नोटेकरो, अहमदाबाद, फैजाबाद का नया घाट, अयोध्या भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब अथॉरिटीज ने ये डिमोलिशन यानी तोड़ फोड़ किया, बुलडोजर चलाया, तो किसी भी मामले में कानूनी प्रक्रिया को फॉलो ही नहीं किया। और इसी चीज को लेकर के एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अपनी एक रिपोर्ट छाप दी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में मुस्लिमों के घरों, कारोबारों और उपासना स्थलों के गैर कानूनी विध्वंस को तत्काल रोकने की अपील भी की। यानी कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गुहार लगनी शुरू हो गई कि लोगों को बेघर करना बंद करो। एमनेस्टी ने एक नहीं बल्कि 2-2 रिपोर्ट्स जारी की।
एक रिपोर्ट, इफ यू स्पीक अप योर हाउस विल बी डिमोलिश्ड, बुलडोजर इनजस्टिस इन इंडिया, यानी कि अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपका घर गिरा दिया जाएगा, भारत में बुलडोजर अन्याय। और दूसरी रिपोर्ट, अनअर्थिंग अकाउंटेबिलिटी, जेसीबीज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बुलडोजर इनजस्टिस इन इंडिया, भारत के बुलडोजर अन्याय में जेसीबी की भूमिका और जिम्मेदारी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन घरों को ढहाते हुए ह्यूमन राइट्स का यानी मानवाधिकारों का सीरियस वायलेशन हुआ है। इन मामलों में पीड़ित आबादी में से साल 2022 में 27% और साल 2023 में 36% आबादी माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक समाज से थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 5 राज्य असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से लोगों के घरों को गिरा दिया। इन 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी की सरकार थी, सिर्फ दिल्ली को छोड़ करके। हालांकि वहां की भी कानून व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के हाथों में होती है। इन राज्यों में साल 2022 में अप्रैल और जून के बीच दंडात्मक कार्रवाई के 128 मामले सामने आए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के रिसर्च ने पाया कि यहां पर सांप्रदायिक दंगों के बाद मुस्लिमों के खिलाफ डेमोलिशन को एक सजा के रूप में दिया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाया कि खास तौर पर मुस्लिम बस्तियों को डेमोलिशन यानी तोड़फोड़ के लिए चुना गया और मुस्लिमों की संपत्तियों को चुन चुन करके तोड़ दिया गया। वहीं पर पास में खड़ी हिंदू संपत्तियों को छोड़ दिया गया, स्पेशली गुजरात और मध्य प्रदेश में। इन 128 में से सबसे अधिक 56 मामले मध्य प्रदेश के हैं। हाजी शहजाद की कहानी तो आपने सुनी ही, मुख्यमंत्री की गुंडई भी देख ली। मध्य प्रदेश सरकार की कार्यवाही एक तरफा रही और एक धर्म को निशाना बनाने वाली रही है, इसके ढेरों उदाहरण हैं। एक और वाक्य आप सुन लीजिए, अदनान मंसूरी 18 साल का एक लड़का 151 दिनों तक जेल में रहता है। जेल में रहने के अलावा भी एक और सजा मिली, जुर्म साबित होने से पहले ही उसके मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। गोदी मीडिया इस पर जश्न मना रहा था। असल में हुआ क्या था ये भी जान लीजिए। देखिए, 7 जुलाई 2023 उज्जैन में महाकाल की शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन जब ये शोभा यात्रा टंकी चौराहे के पास से गुजर रही थी तो आरोप लगे कि मुस्लिम समुदाय के 3 लोगों ने उस पर थूका है। आरोप की पुष्टि के लिए एक वीडियो भी पेश किया गया जिसमें कुछ मुस्लिम युवक पानी की बोतल के साथ छत पर नजर आ रहे थे। काफी बवाल हुआ, खूब धरना प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ। सावन लोट नाम के एक आदमी ने FIR दर्ज कराई। उज्जैन के खारा कुआं थाने की पुलिस ने 3 मुस्लिम युवकों को हिरासत में ले लिया और यहां से ही ये तीनों आरोपी हो गए। गिरफ्तार लड़कों में 2 नाबालिग थे। पुलिस ने IPC की कई धाराएं लगाई, यानी कि उनके ऊपर धार्मिक भावनाएं आहत करने और दंगे भड़काने की कोशिश जैसी धाराएं लगा दी। पुलिस पूछताछ में लड़कों ने सफाई दी थी कि वो तो केवल पानी पी रहे थे। बहरहाल 2 नाबालिग लड़कों को जुवेनाइल होम भेज दिया गया और तीसरे अदनान मंसूरी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। मगर इनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। घटना के 2 दिन बाद 19 जुलाई 2023 को पुलिस प्रशासन और उज्जैन नगर निगम गाजे बाजे के साथ अदनान मंसूरी के पिता अशरफ हुसैन मंसूरी के घर पे पहुंचा। कहा गया कि उनका घर अवैध तरीके से बना हुआ है, यानी कि अवैध निर्माण का केस है। लेकिन सवाल यह है कि अगर घर का अवैध तरीके से निर्माण किया भी गया है तो इसमें ढोल बजाने के पीछे क्या मकसद है? ढोल गाजे बाजे के साथ आके प्रशासन वहां क्यों पहुंचा? बुलडोजर ने अपना काम किया और घर और घर के नीचे बनी छोटी सी दुकान को भी तोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटिस चिपकाए जाने के करीब 1 घंटे बाद ही प्रशासन वहां पहुंच गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बैक डेट में अवैध निर्माण का नोटिस इशू हुआ था। वहीं कार्रवाई के कुछ घंटों बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने एक बयान जारी करते हुए कहा था, जो शिव को अपमानित करेगा उसे तांडव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये शिवराज सरकार है, यहाँ न सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई होती है बल्कि इतनी सख्त होती है कि उनके हौसले तक टूट जाए। तस्वीरें आई और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इस कार्रवाई का स्वागत और विरोध उसी तरह हुआ जैसी इन दिनों परंपरा सी बन गई है। लेकिन इसी साल 16 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने इस केस में अदनान मंसूरी को जमानत दे दी, क्योंकि मुख्य शिकायतकर्ता सावन लोट ने कोर्ट में कहा कि उसने शोभा यात्रा पर थूकने जैसी कोई हरकत देखी ही नहीं थी। ये भी कहा कि उसने पुलिस के दबाव में बयान पर सिग्नेचर किए थे। इसके अलावा इस केस में गवाह बने अजय खत्री नामक युवक ने भी यही किया। दोनों के दोनों ही कोर्ट में अपनी बात से मुकर गए। दोनों ने ही कोर्ट में कहा कि ना तो उन्होंने आरोपियों को शोभा यात्रा पर थूकते हुए देखा था, ना ही आरोपियों की पहचान की थी। शिकायतकर्ताओं के अपनी बात से मुकर जाने पर अदनान मंसूरी को जमानत तो मिल गई,
लेकिन जिस घर पर बुलडोजर चला था उस सजा की भरपाई अब तक नहीं हो पाई है और भविष्य में भी उसके होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। बुलडोजर अन्याय से ग्रस्त लोगों की संख्या केवल हजार ही नहीं अब लाखों में पहुंच चुकी है, मगर फिर भी इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। सरकारी गुंडे कर रहे इन अपराधियों पर सवाल क्यों नहीं उठते हैं? अपराधी हैं ये नेता, ये प्रशासन जो क्रूर तानाशाह बने घरों को तोड़ रहे हैं, उजाड़ रहे हैं, पर अपराधी तो हम भी हैं जो इस तमाशे के तमाशबीन बने हुए हैं। अपराधी तो वो भी हैं जो ये कहते हैं कि हमें क्या, हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है। खैर आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और हाँ, कोशिश रहेगी कि आगे भी समय समय पर ऐसे वीडियोज आते रहे। तो बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।